अगर आपको बहुत कम समय में एक बेहतर लीडर बनना है तो राजशमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके, आई हैव अ क्वेश्चन। दिस इज अ लास्ट सेगमेंट विच आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माय ऑडियंस, क्योंकि ये करियर रिलेटेड है। तो डॉक्टर 110% यू शुड बिकम अ डॉक्टर 100% राइट 110% देयर इज नो बेटर प्रोफेशन इन दिस। इट्स सच अ सैटिस्फाइंग एंड फुलफिलिंग प्रोफेशन कि इससे बढ़िया प्रोफेशन कोई हो नहीं सकता। ऑल्दो समटाइम्स यू सी सो मेनी न्यूज एंड आर्टिकल्स कमिंग इन कि डॉक्टर्स पे वायलेंस हो गया एंड मारपिटाई हो गई एंड हॉस्पिटल में ये हो गया वो हो गया, ठीक है, वी लिव विद दैट एंड समटाइम्स वी गो थ्रू दीज थिंग्स एंड इट डीमोटिवेट्स अस, बट एंड ऑफ द डे इससे ज्यादा फुलफिलिंग प्रोफेशन कोई नहीं है। मतलब जस्ट इमेजिन व्हेन यू आर ट्रीटिंग योर पेशेंट, तो जब पेशेंट का इलाज हो जाता है और पेशेंट ठीक हो जाता है तो पेशेंट से ज्यादा डॉक्टर को खुशी मिलती है बिकॉज ही बीन सक्सेसफुल इन मेकिंग अ डिफरेंस इन समबडीज लाइफ। सो आई थिंक आई वुड लाइक टू टेल ऑल योर ऑडियंसेस कि अगर यू वांट टू चूज समथिंग नाइस एंड सैटिस्फाइंग एंड फुलफिलिंग फॉर योरसेल्फ यू मस्ट गो इनटू मेडिसिन। आई थिंक इट्स द नोबलेस्ट प्रोफेशन। सो आई हैव अ करियर रिलेटेड वेरी ऑब्जेक्टिव ड्रिवन क्वेश्चंस ऑन दिस कि एक डॉक्टर बनने के लिए बहुत 15-20 साल पढ़ाई करनी पड़ती है। एग्जैक्टली कितने साल की पढ़ाई लगती है? आपने कितने साल पढ़ाई करी टू बिकम? यू हैव टू स्टडी फॉर अबाउट 15-20 इयर्स। 15-20 इयर्स आफ्टर स्कूल? आफ्टर स्कूल। It comes with lot of passion you need to pursue and you know har koi ban bhi nahi sakta kyunki seats bahut limited hoti hain। You need passion, you need perseverance, you need persistence. So पहले तो बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ती है स्कूल में ही, because you have to take out those seats and everything which are very limited. And then there are steps that you have to complete. तो पहले आपको MBBS complete करना पड़ता है, which is 5-6 years course. उसके बाद आप speciality में जाते हो, जैसे MBBS के बाद I took ophthalmology, वो 3 year का course है. उसके बाद you do a super speciality, जैसे my super speciality is refractive surgery, चश्मा हटाने के operation, that is my super speciality. So then you do those super specialities. Even the time का होता है? वो भी 2-3 साल का होता है। Okay. And after that, when you come out, you realize कि अरे अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो you just completed your studies, अभी तो real part has to happen. So then usually people tend to do 2-3 years of training at a good hospital, थोड़ा experience वगैरह all ले लेते हैं. Then you are nice and ready to start your own work. तो पढ़ाई काफी सारी करनी पड़ेगी, बट इट इज ऑल वर्थ इट बिकॉज वंस यू कम आउट एंड स्टार्ट डूइंग यू नो दैट इज द टाइम यू स्टार्ट एंजॉयिंग योर प्रोफेशन। उससे पहले तो थोड़ा सा ये गेट्स फ्रस्ट्रेटिंग एट टाइम्स कि यार सुबह से रात तक हम पढ़े जा रहे हैं, बाकी सारे फ्रेंड्स पार्टी कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, बट दैट इज द वे इट इज। सो दैट इज व्हाई यू नीड लॉट ऑफ पैशन टू डू इट। इस पे इसी पे मेरे को ब्रेक डाउन करना है क्विक मेरे को बताओ। तो 12-13 साल लग जाते हैं पढ़ते पढ़ते, कितना पैसा लग जाता है तू स्टडी and become doctor? बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। सपोज यू गेटिंग इन टू अ प्राइवेट कॉलेज तो वहाँ तो एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे, यू गेट इन टू अ गवर्नमेंट कॉलेज तो थोड़ा सा वहाँ पे कम रहता है। ऑन एन एवरेज मानो कि अगर इंडिया में किसी को 12 साल पढ़ाई करनी है सुपर स्पेशलाइज्ड तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपके एडमिशन हो गए तो कोई खर्चा ही नहीं है, 10-12 हज़ार रुपये में आप डॉक्टर बन जाओगे फुल फ्लेज्ड। प्राइवेट में घुस गए तो देन यू एक्सपेक्ट एक्सपेंडिचर अबाउट 50 लाख रुपीज। ओके, 12 साल की फीस वगैरह ज़्यादा होती है, प्लस देन यू वॉन्ट टू गेट इन टू सुपर स्पेशलिटीज एंड ऑल दोज थिंग्स। तो कभी कभी यू हैव टू फ्लाई टू अमेरिकन एंड यूरोपियन कंट्रीज, वहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह के लिए जाना पड़ता है, तो दैट ऑल्सो एड्स ऑन टू द एक्सपेंसेस। So, 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में अगर आपको सुपर स्पेशलिस्ट बनना है तो मतलब फुल फ्लेज्ड आपको बिल्कुल ही टॉप लाइन डॉक्टर बनना है तो 50-1 करोड़ का खर्चा आ जाएगा विद इन द स्पैन ऑफ अबाउट 15 इयर्स। तो अगर 15 साल में एकदम फुल फ्लेज्ड में टॉप डॉक्टर बनने की कोशिश करता हूँ और मैं खर्चा करता हूँ 1 करोड़ के आसपास मेरी पढ़ाई पे, तो फिर मेरा अर्निंग पोटेंशियल कैसे? फिर अर्निंग भी तो आपको महीने के 10 लाख रुपए 12 लाख रुपए मिलते हैं इफ यू कम आउट एज अ सुपर स्पेशलिस्ट। दैट इज योर सैलरी। अच्छा, तो स्पेशलिस्ट की सैलरी इन दिल्ली मुंबई इज अराउंड 3-4 लाख रुपए। ओके, एंड द मोमेंट यू एंटर सुपर स्पेशलिटी तो 7-8 के ऊपर होना शुरू हो जाता है, एंड देन एज यू गेन एक्सपीरियंस तो 12-15 लाख हो जाता है। सो सैलरी होती है 10-12 लाख, उसके अलावा क्या सोर्सेज होते हैं? सर्जरीज के अलग पर सर्जरी प्रोसीजर उसका भी तो अलग से, दैट डिपेंड्स कि भाई आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है हॉस्पिटल के साथ एंड ऑल दोस थिंग्स। बट यूजुअली इफ यू आर अ गुड लेवल सुपर स्पेशलिस्ट पर्सन एंड यू एंटर्ड योर मिड मे बी लेट 30s या अर्ली 40s तो यू विल बी अर्निंग गुड 10-12 लाख अ मंथ। ओके, एंड पर सर्जरी कॉस्ट भी होता है दैट गेट्स डिवाइडेड बिटवीन हॉस्पिटल एंड भाई दैट इज योर अंडरस्टैंडिंग। सो सम डॉक्टर्स टेंड टू डू अ शेयरिंग मॉडल कि भाई हमें सैलरी नहीं चाहिए, वट एवर वर्क आई डू आई टेक अ शेयर ऑफ दैट। सम पीपल वॉन्ट टू बी सिक्योर सो दे से कि भाई आई टेक अ प्रॉपर सैलरी, आई एम नॉट कंसर्न कि बिजनेस में क्या जा रहा है। दैट वेरीज पर्सन टू पर्सन, वट इज योर ओरिएंटेशन। ब्रेक मी बोथ द थिंग इन क्विक वर्ड्स जल्दी से।
कि अगर मैं फिक्स मॉडल पे होता हूँ तो मुझे ऐसे कि महीने में भाई आपको 15 सर्जरीज करनी है और 15 सर्जरी का ये फिक्स है, आपको इतना पैसे मिल जाएंगे, 12 लाख 15 लाख इज योर फिक्स। एंड कुछ है जहाँ पे इट्स लाइक ठीक है इफ यू आर अ सुपर स्पेशलिस्ट, हाँ इफ यू आर अ सुपर, आई एम टॉकिंग अबाउट सुपर स्पेशलिस्ट, ठीक है। और फिर कुछ है जहाँ पे बोलेंगे कि आप 5 लाख रुपए फिक्स ले लो, लेकिन उसके बाद 50-50% शेयर होगा या 20-30% शेयर होगा, इट इज ऑल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस। अल्टीमेटली यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एक हॉस्पिटल को चलाने के अपने बहुत सारे खर्चे हैं, स्टाफ का खर्चा है, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का तो बहुत ही बड़ा खर्चा है क्योंकि ये जो मशीनें वगैरह है कॉस्ट गोज इन क्रोस क्रोस। अच्छा देन यू हैव टू कीप ऑल दीज पीपल हु आर प्रोफेशनल्स, तो आप ऐसे किसी को भी तो रख नहीं सकते, सो यू नीड डॉक्टर्स, यू नीड पैरामेडिक्स, यू नीड ऑप्टोमेट्रिस्ट टू रन द सेंटर, इट्स अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट दैट गोज इन टू रनिंग अ हॉस्पिटल। सो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इज कि जब आप डॉक्टर बनते हो तो डॉक्टर बन के एज एन एम्प्लॉई बनना ज्यादा बेनिफिशियल है कि डॉक्टर बन के एज एन एंटरप्रेन्योर बनना ज्यादा बेनिफिशियल है? पर्सनल चॉइस, मतलब वी हैव बोथ काइंड्स ऑफ पीपल कि जॉब में भी जाते लोग एंटरप्रेन्योर्स भी हैं। लाइक माई फादर हु स्टार्टेड 30 years बैक, ही वॉज इन अ जॉब फर्स्ट फॉर 5-6 years, देन ही स्टार्टेड हिज ओन प्राइवेट प्रैक्टिस एंड देन वी ग्रू, देन आई एम द सेकंड जनरेशन डॉक्टर। बोथ वेज, मतलब वट एवर गिव्स यू सैटिस्फैक्शन। इंटरेस्टिंग। लास्ट क्विक क्वेश्चन, बहुत फन वाला है ये, मैंने मिथ में पढ़ा था अबाउट डॉक्टर्स। ऐसा होता है क्या कि डॉक्टर्स को बोला जाता है कि जब आप प्रैक्टिस पे जा रहे हो या जब आप कुछ भी ऑपरेट करने जा रहे हो तो इट्स कंपलसरी आप शेव करके जाओ? Do you think clean shave रहना is a compulsion for doctors? It's not compulsory. I've not met a bearded doctor yet. It's not compulsory, but it is recommended. It is recommended. Yeah, देखो क्या होता है ना, all these hair. मतलब doctors को shave करने के लिए recommend किया जाता है? And I'll tell you the reasons for that. एक तो लोगों के मन में doctor की एक image होती है. Doctor ऐसा दिखना चाहिए, clean shaven होना चाहिए, वेल ग्रूम्ड होना चाहिए, टाई वाई पहन के बैठा हुआ, दैट इज वन पार्ट ऑफ इट। अदर पार्ट ऑफ इट इज कि इफ यू लुक एट इट साइंटिफिकली, सो ऑल दीज हेयर्स एंड ऑल दे टेंड टू कैरी इन्फेक्शंस। सो व्हेन यू आर गोइंग टू द ओटी यू वांट टू बी एज श्योर एज पॉसिबल कि मैं मिनिमल इन्फेक्शंस अंदर लेके जाऊँ। सो व्हेन वी आर गोइंग फॉर द सर्जरी हम अपने कपड़े चेंज कर देते हैं, हाथों में जैसे व्हाट आई एम वेयरिंग टुडे इज द स्क्रब्स दैट आई वेयर व्हेन आई एंटर ओटी, एंड प्रॉपरली हाथों को स्पेशल तरह के साबुन से धोना, ऑटोक्लेव वाले कपड़े पहनना, वी आर कैप, वी आर मास्क, कि कहीं से भी कोई इन्फेक्शन का चांस कम से कम हो जाए। तो उसमें इफ यू कैन शेव योर सेल्फ एंड यू नो फर्दर रिड्यूस द रेट ऑफ इन्फेक्शन देन व्हाई नॉट। गॉट इट। बट ऐसा कोई मैंडेट नहीं है कि भाई बियर्ड वाले डॉक्टर ऑपरेट नहीं करते, बट हाँ ठीक है, यू आर टेकिंग जस्ट एडिशनल मेजर्स टू सेव गॉड थिंग्स। क्योंकि आई हैव नॉट सीन, मतलब कबीर सिंह के अलावा ने किसी को नहीं देखा ये तो प्रॉब्लम है सारी, दाढ़ी रख ले लोग कहते कबीर सिंह है ये तो, अब ये दारू पी के ऑपरेशन करेगा। इंडियन माइंड सेट ना एज एन इमेज ऑफ डॉक्टर की वो वैसा ही दिखना चाहिए, बट आई थिंक स्लोली इट इज चेंजिंग नाउ, स्लोली दे स्टार्टेड एक्सेप्टिंग कि भाई डॉक्टर्स आर आल्सो ह्यूमंस। थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। मेरा नाम राज शमानी है और यहाँ पर हम बहुत सारे नॉलेजेबल इंसाइटफुल क्लिप्स ला के लेते हैं आपके लिए।